हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्जाम पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के वीडियो का 10th सीरीज लेकर आ गया हूँ। फ्रेंड्स, तो यदि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर राइट साइड में आई बटन होगा, उस पर प्रेस करके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहे। और फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को भी जोड़ने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है। तो वह पौधा होता है क्लोरेला। क्लोरेला जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। नेक्स्ट है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलता है। तो पास्चुरेला पेस्टिस। और साथ ही मैं बता दूं कि प्लेग का जो बीमारी है यह चूहा के काटने से फैलता है। चूहा और पिस्सू, पिस्सू एक कीट, पिस्सू नाम का एक कीट होता है, इसके काटने से भी यह फैलता है। और प्लेग को बोला जाता है ब्लैक डेथ, काली मौत, इसी को बोला जाता है काली मौत। काली मौत बोला जाता है प्लेग को। तो पास्चुरेला बीमारी, सॉरी, प्लेग की बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल और मैनेजर ऑफ सेल, कोशिका का प्रबंधक, और ब्रेन ऑफ सेल कोशिका का दिमाग भी बोला जाता है केंद्रक को, और साइट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। और इस फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है यकृत, लीवर में। और एक और होता है फ्रेंड्स जिसका संश्लेषण यकृत में ही होता है, हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है रक्त को जमने से रोकता है, हिपेरिन रोकता है। और फाइब्रिनोजन रक्त को थक्का बनाता है, और हिपेरिन और फाइब्रिनोजन दोनों प्रोटीन का संश्लेषण यकृत अर्थात लीवर में होता है। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोफोबिया बीमारी हो जाती है पागल कुत्ते के काटने से, जिसे रेबीज भी बोला जाता है। रेबीज रेबीज एक विषाणु जनित रोग होता है जो रेबडो वायरस से होता है। और इस रेबीज से बचने के लिए रेबीज का टीका भी लगाया जाता है जिसके खोजकर्ता हैं लुई पाश्चर। तो पागल कुत्ते से के काटने से कौन सी बीमारी होती है, हाइड्रोफोबिया। जल से डर लगता है इसमें, पानी से डर लगता है। हाइड्रो मीन्स होता है जल और फोबिया मीन्स होता है डर, तो जल से डर। तो फ्रेंड्स, पागल कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है जिसे रेबीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो ताप पर। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो संयोजी ऊतक शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। संयोजी ऊतक रक्त जो होता है संयोजी ऊतक का ही उदाहरण होता है, रक्त का ही काम होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखना। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है। तो प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा रक्त का ही भाग होता है फ्रेंड्स, और रक्त का 60% प्लाज्मा पाया जाता है। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी होती है। तो धमनी, आर्टरी। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी होती है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग है। तो टिटनेस द्वारा तंत्रिका तंग प्रभावित होता है।
नेक्स्ट देखिए, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो फ्रेंड्स असूत्री, यहाँ अर्धसूत्री दे दिया है, लेकिन असूत्री कीजिएगा क्योंकि असूत्री को ही अंग्रेजी में बोला जाता है एमिटोसिस। तो शैवाल ईस्ट अमीबा में अर्धसूत्री नहीं असूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर, सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त होता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक, क्रेटिनोफिलिक। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो फ्रेंड्स जस्ता निकेल, और साथ में याद कीजिएगा यानी दिया हुआ है कॉपर, साथ में तीन तीन तत्व होते हैं इसमें, जस्ता निकेल और कॉपर। इसको विथ ट्रिक ऐसे याद रखा जा सकता है, कुजनी, कॉपर जिंक और निकेल, कुजनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है, फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराट्स, Fe2, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है, तो फूल्स गोल्ड कहा जाता है Fe2 को, आयरन सल्फाइड को। नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10^-10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रम। और नेक्स्ट देखिए, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है, NaCl। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, E=mc² को किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टाइन ने, आइंस्टीन ने E=mc² को प्रतिपादित किया था। इससे सापेक्षता का भी सिद्धांत बोला जाता है, सापेक्षता का सिद्धांत। और इससे सापेक्षता को सिद्धांत को आइंस्टीन ने 1905 में दिया था, तो E=mc² को आइंस्टीन ने दिया था, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट, वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो नेफ्रोन, नेफ्रोन वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है फ्रेंड्स। और साथ में मैं बता दूं आपको, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइको, फाइकोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स शैवाल का अध्ययन। और कवक का जो कोशिका भित्ति होता है वो काइटिन का बना होता है, काइटिन का। तो कवकों में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवकों का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ज्वालामुखी पर्वतों से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, SO2। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। नेक्स्ट देखिए, कार का CGS पद्धति में मात्रक है? तो अर्घ, CGS पद्धति में कार का मात्रक होता है अर्घ, और SI पद्धति में होता है जूल, SI पद्धति में होता है कार का मात्रक जूल, और 1 जूल में होता है 10^7 अर्घ, अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। नेक्स्ट देखिए, मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल और एल्कोहल के मिश्रण को बोला जाता है गैसोहोल, जो एक प्रकार का ईंधन है। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। नेक्स्ट है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो मैक संख्या, वायुयान की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या बोला जाता है।
नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। नेक्स्ट है, समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील में होता है फ्रेंड्स 1.852 किलोमीटर। किलोमीटर एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट देखिए, किस सामान्य यंत्र की सहायता से परास्रव तरंगे उत्पन्न की जा सकती है? तो सोनार के द्वारा परास्रव तरंग अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। और इसी लैंगरहैंस द्वीप के बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। नेक्स्ट देखिए, उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है? तो अमोनिया। अमोनिया अश्रु गैस के रूप में प्रयुक्त होता है NH3, जिसका रासायनिक सूत्र होता है। और अश्रु गैस के रूप में क्लोरो एसिटोफिनोन का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, सिक्का किस धातु का बना होता है? तो तांबा और टीन का। यह कांसा का भी मिश्रण होता है फ्रेंड्स। कांसा भी तांबा और टीन का ही बना होता है और इसका उपयोग ही कांसा का उपयोग ही किया जाता है सिक्का बनाने में। तो सिक्का बनाने के लिए तांबा और टीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है? तो पात्र निषेचित और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपित। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। कैंडला किसका मात्रक होता है? तो ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने। इन्होंने ग्रह गति नियम से संबंधित तीन नियम दिए थे फ्रेंड्स। ग्रहों के गति से संबंधित तीन नियम दिए थे केपलर ने। और साथ ही मैं बता दूं कि 1540 ईस्वी में कॉपर निकस ने सौरमंडल का खोज किया था। कॉपर निकस ने सौरमंडल का खोज किया था और केपलर ने ग्रहों के गति नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई देता है? तो प्रकाश के व्यतिकरण घटना के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट को लाल द्रव कहा जाता है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट का जो लाल होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन मनुष्य के लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। और नेक्स्ट देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो संचित ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में संचित ऊर्जा। नेक्स्ट है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण चढ़ता है तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशिकत्व के कारण। और नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो इस्पात। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों के द्वारा। नेक्स्ट है, संतान के निर्धारण के लिए, संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो पुरुष का। नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। और नेक्स्ट देखिए, मस्तिष्क संबंधित बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो EEG द्वारा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ होता है। इसका प्रयोग किया जाता है, इसका
प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क के विकृतियों का पता लगाने के लिए ईईजी टेस्ट कराया जाता है, और साथ ही एक टेस्ट और होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसका प्रयोग किया जाता है हृदय के विकृतियों को पता लगाने के लिए। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा, RBC के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, जिसका जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम है, बर्ड फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम है H5N1। H5N1 नामक वायरस से बर्ड फ्लू फैलता है फ्रेंड्स, तो याद कीजिए H5N1। और साथ ही मैं आपको बता दूँ, स्वाइन फ्लू भी एक प्रकार का वायरस से फैलने वाला रोग है, जिसका वायरस होता है H1 और N1। तो बर्ड फ्लू के लिए H5N1 और स्वाइन फ्लू के लिए H1N1। नेक्स्ट था लास्ट, देखिए फ्रेंड, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो स्तनधारी वर्ग में बकरी का तापमान सबसे अधिक होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखा है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमें मोटिवेट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी तरह से लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।